खबर महाराष्ट्र के वर्धा जिले स्थित पुलगांव शहर से है, जहां इन दिनों रेलवे स्टॉपेज हेतु विभिन्न जन आंदोलन हो रहे हैं, जिनके भविष्य में उग्र होने की संभावना है। बता दें कि मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित पुलगांव रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल के पहले कुल 13 ट्रेनों के 26 फेरियों का स्टॉपेज था, जो पिछले 2 सालों से बंद है। और देश में रेल परिचालन फिर शुरू होने के बाद पुलगांव स्टेशन पर सिर्फ 2 गाड़ियों का स्टॉपेज दिया जा रहा है। ट्रेन के संचालन कम होने की वजह से व्यापार और रोजगार पर असर पड़ रहा है। ट्रेनों के संचालन को लेकर वर्धा सांसद रामदास तड़स भी प्रयासरत हैं। उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात कर इस ओर ध्यान आकर्षण किया, साथ ही रेल स्टॉपेज शुरू करने की मांग की। साथ ही सांसद ने रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी। कोविड के कारण पूरे देश में रेलें बंद हुई थी, वैसे भी हमारे लोकसभा मतदान संघ में भी पूरे रेलवे बंद हुई थी। अभी कोविड का कम होने से लोगों की मांग है कि रेलवे चालू होने की। हमारे जैसा मेरे क्षेत्र में पुलगांव है, चांदूर रेलवे, धामनगांव, पुलगांव, हिंगघाट, सिंधी रेलवे, वर्धा, ये जो पुरानी गाड़ी चल रही थी वो बंद हुई थी और कोविड स्पेशल ये गाड़ी चालू की थी। अभी मैं ये कम से कम कोई गाड़ी छोड़ने के लिए आश्वासन दिया मेरे को रेलवे मंत्री ने, खुद रेलवे मंत्री को मैं मिला और जल्दी से जल्दी ये सब गाड़ी चालू होने वाली है। लोगों को जो दिक्कत हुई थी उसका ब्यौरा भी निकलेगा और गाड़ी भी चालू हो जाएगी।